हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी समर्स आ चुकी हैं और समर्स में हमारी स्किन में बहुत ज्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पिंपल्स, एक्ने और न जाने कितनी तरह की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में मैं आपके लिए एक ऐसी फेशियल किट लेकर आई हूँ गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देगी आपको। और आप इस वक्त उसका ग्लो मेरे फेस पर भी देख सकते हो। ये देखिए, मैंने कोई भी हाईलाइटर वगैरह नहीं लगाया हुआ है, ये देखिए। तो आप देख सकते हो कि गाइस कितना अच्छा स्किन में मेरी ग्लो आया है। मुझे ये फेशियल किट बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगी है, इसीलिए मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूछा भी था कि दी फेशियल किट ऐसी कोई सजेस्ट कीजिए जो कि ब्राइडल के लिए भी बहुत अच्छी हो और जो कि सभी स्किन टाइप वालों के लिए इफेक्टिव हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ लस्टर फेशियल किट की। जी हाँ, आप इस वक्त मेरे हाथ में देख सकते हैं, क्यूट सा बड़ा सा पैकेट है और इसमें कौन कौन से स्टेप दिए गए हैं ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। सो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने इसे ओपन कर लिया है। ये आपको दिख रही है यहाँ पर मेरे हाथ में इस वक्त लस्टर एंटी टैन फेशियल किट है। सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हो। ये व्हाइट और येलो कलर की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। इस पर एक खूबसूरत सी पिक भी बनी हुई है और ये देखिए, सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है, ये देखिए। और इसमें जितने भी स्टेप दिए गए हैं गाइज, इसमें आपको दिया गया है स्टेप्स कि आपने किस तरीके से फॉलो करने हैं और किस तरीके से आपने इसे यूज करना है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो, फेशियल स्क्रब, फेशियल क्रीम, फेशियल जेल, फेशियल पैक, और इसमें आपको एक सीरम भी फ्री मिलता है। टोटल इसमें आपको 6 स्टेप मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज लगी है मुझे, क्योंकि ज्यादातर जो फेशियल स्टेप्स आते हैं वो 4 या 5 ही होते हैं, लेकिन इसमें आपको टोटल 6 फेशियल स्टेप्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छी लगी है इसकी पैकेजिंग। सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की हुई है, आप यहां से रीड कर भी इस फेशियल स्टेप्स को कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। और इसकी एमआरपी की अगर बात करूं गाइस, तो आप ये देख सकते हो, ये 865 रुपए की है इसकी एमआरपी। लेकिन उस वक्त बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था फ्लिपकार्ट पर और मुझे बहुत ज्यादा एफोर्डेबल प्राइस पर ये मिल गई थी। ये मुझे 450 रुपीज के अराउंड मिल गई थी। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको ऑफर प्राइस में ये बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इस पैकिंग को ओपन कर लिया है। कुछ ये अंदर से इस तरीके की पैकेजिंग में आती है। टोटल इसमें आपको 6 स्टेप मिल जाते हैं, ये देखिए। अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको ये फेशियल स्टेप मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हो, काफी बड़ा कंटेनर है। और इसमें से आप गाइस 6 या 7 बार आराम से फेशियल कर सकते हो अपने घर पर ही। और इसमें आपको टोटल क्वांटिटी जो मिल जाती है वो मिलती है 250 ग्राम की, प्लस 10 ग्राम का आपको इसमें सीरम मिल रहा है। तो क्वांटिटी बहुत अच्छी है इस फेशियल्स की, आप इससे आराम से 5 या 6 बार फेशियल्स कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इन फेशियल्स को स्टेप बाय स्टेप अपने फेस पर आपको कर दिखाती हूँ और इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा रिजल्ट मिला है इसका, आप खुद ही देख लीजिएगा। मुझे ये फेशियल किट बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगी है और क्यों इफेक्टिव लगी है ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ। तो इसके सभी स्टेप्स मैं आपको अपने फेस पर अप्लाई कर दिखाऊंगी, रिजल्ट आपको मैं यहाँ पर जरूर दिखाऊंगी, आप खुद देख लीजिएगा। डेमो मैं आपको यहाँ पर कर दिखाने वाली हूँ अपने फेस पर फेशियल। मुझे वैसे भी काफी दिन हो गए थे फेशियल किए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको फेशियल भी कर दिखाऊं ताकि आपको यकीन हो सके कि ये फेशियल किट बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आप इसे अपने हाथों और पैरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस फेशियल किट को अपने फेस पर अप्लाई कर दिखाती हूँ और डेमो भी आप खुद देख पाएंगे, रिजल्ट आप देख पाएंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है, कितनी अच्छी ग्लो आई है मेरी स्किन में। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप इसकी क्वांटिटी आराम से, मतलब आपको 5-6 महीने आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट मिलता है, आप इसे आराम से 5-6 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हो। घर पर फेशियल करने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, तो प्लीज एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। सो इस लस्टर एंटी टैन फेशियल किट में जो पहला स्टेप है ये है D10 सोल रेडियंट फेशियल क्लींजर स्टेप 1। ये आप देख सकते हो, पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये देखिए। डबल इसमें पैकेजिंग आपको मिल जाती है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, ये देखिए। पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है गाइस। और खुशबू की अगर मैं बात करूं तो खुशबू तो ओ माई गॉड, बहुत अमेजिंग खुशबू है, काफी रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छी खुशबू है सच में। इन सभी फेशियल स्टेप को आप 3 से 4 मिनट कर लीजिएगा, काफी होगा। 5 मिनट भी करते हैं तो काफी है, बहुत अच्छा ग्लो देते हैं थोड़ी ही देर में। और मैं वीडियो यहां पर आपको थोड़ा सा फास्ट मोड में दिखा रही हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और क्लींजर से, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि क्लींजर बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्किन को क्लीन करने के लिए, जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज होती है ये उसे रिमूव करने में हेल्प करता है, प्लस फेशियल के लिए आपकी स्किन को रेडी करता है। और जो भी फेशियल स्टेप आपको आते हैं फ्रेंड्स, वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है, सिर्फ स्टेप 1 से ही कितना अच्छा ग्लो आ गया स्किन में, ये आप देख सकते हो।
यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्टेप जो है वो कम्प्लीट होता है। अब मैं बढ़ती हूँ सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप इसमें है D10 सोल रेडियंस फेशियल स्क्रब। पैकेजिंग गाइस मुझे इसकी बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, वो इसलिए भी क्योंकि ये काफी ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली तो है ही ये, और इसे इजिली भी आप अपने बड़े बैग में कैरी कर सकते हो क्योंकि थोड़ी सी बड़े साइज में है। और वैसे अगर आप चाहें तो इसे खाली कंटेनर भी इसके यूज कर सकते हो क्योंकि काफी इसकी पैकेजिंग का ध्यान रखा गया है, प्रोडक्ट बाहर नहीं आने वाला है आसानी से। स्क्रब को आपने वहां यूज करना है सबसे ज्यादा जहां पर आपको ब्लैकहेड और व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारे नोज एरिया और चिन एरिया पर। तो ये देखिए मैंने स्क्रब भी कर लिया है और अब अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लेती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्क्रब स्टेप भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों कि वैसे तो ये फेशियल किट सभी स्किन टाइप वालों के लिए बेस्ट है, डस्की स्किन वालों के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और इंडियन स्किन टोन की अगर बात की जाए तो सबके लिए बेस्ट है ये फेशियल किट। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो प्लीज इस फेशियल किट को इस्तेमाल करने से पहले एक बार पैच ट्राई जरूर कर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, और थर्ड स्टेप इसमें है फेशियल क्रीम। अब मैं क्रीम से मसाज करूंगी अपने फेस पर 5 मिनट तक। ये टेक्सचर देखिए कितना क्रीमी है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। वैसे आप सोचेंगे क्रीम है तो क्रीमी होगा, बहुत ज्यादा मक्खन जैसी क्रीम है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। मुझे 5 मिनट हो गए हैं मसाज करते हुए, अब मैं इसे वॉश करके आती हूँ। ग्लो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना अच्छा ग्लो आया है स्किन में, ये देखिए। एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर कि फेशियल हर 15 से 20 दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। इससे हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, इससे हमारी स्किन पर जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज जमा होती है प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, तो वो भी क्लीन करता है अच्छे से, गहराई तक आपकी स्किन को सफाई करता है, और इससे हमें एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो इसलिए हमें महीने में एक बार फेशियल जरूर करना चाहिए। अब मैं यहां पर कर रही हूँ 4 स्टेप, और 4 स्टेप यहां पर है फेशियल जेल, और इसका कलर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। ओ माय गॉड कितना अच्छा कलर है इसका, ये देखिए है ना कितना ब्यूटीफुल सा कलर, जैसे लेमन होता है। मुझे इसका कलर और खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, सभी फेशियल स्टेप्स की ना खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है, और वैसे एक सी है। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों आपको कि ये जेल वाला फेशियल है, और जेल वाले फेशियल ना हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और अगर आपकी त्वचा धूप में जाने से झुलस गई है, सन बर्न की प्रॉब्लम हो गई है, स्किन में टैनिंग हो गई है, तो इन सभी प्रॉब्लम से भी आपको ये फेशियल छुटकारा दिलाता है। तो बहुत ही अच्छा फेशियल है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, और समर्स के लिए भी ये फेशियल बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये देखिए मैंने जल से ही मसाज कर लिया है, और अब मैं लगाती हूँ अपने फेस पर फेस पैक, जो कि है स्टेप नंबर 5। फेस पैक भी इसका काफी अच्छा है, ये देखिए इसकी खुशबू भी काफी अच्छी है, जैसे क्ले का फेस पैक होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो ऐसे ही ये भी है, ये देखिए। और क्ले का फेस पैक ना मतलब बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, और खासतौर से गर्मियों के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये आपकी स्किन में ठंडक भी पहुंचाता है। आप चाहें तो इसे अपनी नेक एरिया पर भी लगा सकते हो। इस फेस पैक को मैं अच्छे से सूखने दूंगी, उसके बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, इसके बाद आपने कोई भी सोप वगैरह या फेस वॉश से मुंह को नहीं धोना है, कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ सिंपल पानी से अपने फेस को वॉश करना है। तो ये देखिए मेरा फेस पैक जो है वो सूख चुका है, अब मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। सो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, और ग्लो आप देख सकते हो आपके सामने है, कितना अच्छा ग्लो आया है मेरी स्किन में, और मुझे मेरी स्किन काफी फ्रेश लग रही है, और वाकई लग भी रहा है कि स्किन में जितनी भी डर्ट और इम्प्योरिटीज थी ना सब रिमूव कर दी है इस फेशियल ने। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका रिजल्ट, आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्लो आई है फेस पर, चमक कितनी अच्छी आई है। तो मुझे तो भाई ये फेशियल किट बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। तो चलिए अब मैं जो इसका 6th स्टेप है यानी कि फेशियल सीरम है, उसे भी अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पर। और एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर कि जब भी फेशियल सीरम आपको फेशियल किट के साथ मिलता है तो उसे जरूर अप्लाई करें हैंड में। वो इसलिए भी क्योंकि जो आपने फेशियल किया होता है ना उसकी जितनी भी गुडनेस होती है, अच्छे तत्व होते हैं, वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से लॉक हो जाए, और आपका जो ग्लो है वो उड़ ना जाए। तो इसलिए फेशियल सीरम को जरूर अप्लाई करिए। सीरम की मैं आपको एक और अच्छी बात भी बता देती हूँ, इस पर मेंशन किया हुआ है कि ये D10 सोल रेडियंस स्किन सीरम तो है ही, इसमें आपको 10 ml का प्रोडक्ट मिल जाता है, और साथ ही साथ ये शाइन बूस्टर कॉम्प्लेक्स फॉर स्किन लाइटनिंग का भी काम करता है ये सीरम, और स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग, व्हाइटनिंग में भी काम आता है, तो काफी अच्छा सीरम है, जरूर अप्लाई करें।
तो यहां पर मैं इसके ड्रॉप ले लेती हूँ, तो उसे 4 बूंदे मैंने ले ली हैं। देख सकते हो इस सीरम से भी कितनी अच्छी ग्लो आई है स्किन में, ये देखिए। और ये फेशियल गाइस सभी स्किन टाइप वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है जब भी हम कोई फेशियल ट्राई करते हैं तो हमारी स्किन पर बाद में बहुत सारा ऑयल जमा होने लगता है, तो इस फेशियल के साथ ऐसा नहीं है। मुझे ये फेशियल किट काफी पसंद आई है। सो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये फेशियल किट का रिव्यू अच्छा लगा हो और इसका रिजल्ट भी अच्छा लगा हो। तो चलिए फिर, यही था मेरा आज का फेशियल सीरम का रिव्यू।